वेलकम बैक टू माय चैनल कंपनी हर एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। हम आपको आज कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं। आइए हम आपको कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। ये है स्टार्ट करने वाला सो जिसमें चाबी लगा के इससे स्टार्ट करते हैं, और ये है कंपनी का एक्सीलेटर लीवर जिससे कंपन को रेस देते हैं, और ये है कटर के रील को ऊपर या नीचे करने के लिए, ये है कटर को ऊपर या नीचे करने के लिए, और ये रहा कंपन को हाई या लो से चलाने के लिए, और ये तो रहा कंपन का स्टीयरिंग जिससे कंपन को मोड़ते हैं, और ये है गियर डालने वाले लीवर जिसको आगे करते हैं जिसमें रिवर्स होता है, रिवर्स का गियर पड़ जाता है, और पीछे करने से बैक आगे वाला गियर पड़ता है सॉरी, और ये है आगे करने से दूसरा गियर और पीछे करने से तीसरा गियर, और ये रहा हमारे कंपनी के ब्रेक और क्लिच, ये रहा हमारी कंपनी का क्लिच जिससे क्लिच डालकर गियर डालते हैं, और ये कंपनी को रोकने के लिए ब्रेक दबाते हैं, ये है ब्रेक पैडल, और ये रहा पैर वाली रेस जिससे कंपनी को रेस से चलाते हैं, और ये रहा कंपनी का इंडिकेटर लीवर जिससे हम कंपनी को इंडिकेटर चलाते हैं। रोड पर इंडिकेटर का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, और हमें रोड के हिसाब से इस नियम को भी चालू रखना चाहिए इंडिकेटर वाला। और ये रहे हमारी कंपन को बंद करने की चोक रेस जिसे चोक बोलते हैं, और ये रहा हमारी कंपन का लीवर जिसे ये है बास्केट, ये हमारे थ्रेसर की बास्केट को दबाती है, और ये है फ्लैट जिससे हमारा फ्लैट वाला सिस्टम बड़ा वाला पला सब चलता है जिससे हमारा थ्रेसर चलता है, और ये जब टैंक में दाने फुल हो जाते हैं तब ये लीवर को दबा कर टैंक खाली कर किया जाता है, और ये रहा हमारे कटर वाला लीवर जिससे हम कटर को चलाते हैं, और ये रहा दाव, ये हमारी बास्केट को दाव लगाती है, और ये रहा हमारी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम जिससे आजकल ड्राइवर क्या सभी लोग गाने सुन के ही कंपनी चलाते हैं, और ये रहा कंपनी के लाइट के स्विच, और ये है कंपनी का फ्यूज सिस्टम, ये नया मॉडल में फ्यूज आया है, और ये रहे मीटर जो बताता है कंपनी कितनी गर्म पड़ रही है या नहीं आपकी, और ये है बैटरी मीटर चार्ज कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है या नहीं, और ये है ऑयल प्रेशर कंप्रेसर वाला मीटर, और ये रहा हवा कंप्रेसर मीटर एयर वाला मीटर है, और हम आपको कंपनी की और भी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।